और टन टन Hi everyone. तो कमेंट्स में सब ने मुझसे, मैंने सबसे पूछा था कि कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है. I saw your comments. रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू मखमली सी रेशमी सी आवाज तू जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है कह ले कुछ भी तू मेरा कप केक है रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू मखमली सी रेशमी सी आवाज तू जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है कह ले कुछ भी तुम मेरा कप केक है और नजदीक से बात करते हैं मुझे और फील आएगी क्योंकि अभी गाना कंप्लीट नहीं हुआ है और बातें तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होंगी अभी तो लाइव चैट शुरू हुई है तो तुम सबने तू मेरा कपकेक है वो सब ज्यादा कमेंट्स किए और फिर मुझे दिल से पुकार तो भी किया पर आज तू मेरा कपकेक है कि रियल स्टोरी मैं तुम सबको सुनाना चाहता हूँ. आई नो तुम सब चैट करना चाहते हो तुम सब मुझसे बातें करना चाहते हो पर आज तुम्हारा मोहित ना तुम सबके लिए बस गाना चाहता है. मतलब हाँ बातें भी करेंगे अपन और भी चीजें करेंगे मैं तुम सबसे खूब सारी बातें करना चाहता हूँ पर अभी ना मुझे बहुत अच्छा हुई उस गाना गाने की और तुम्हें बात बताने की इस सॉन्ग की तू मेरा कप है तू मेरा कप केक है सॉन्ग की स्टोरी बताने की. तो बात कुछ ऐसी है कि तू मेरा कप केक है को मैं सिर्फ कप केक कहता था. तू मेरा कप केक इसका सॉन्ग का भी नाम नहीं था. तो कप केक सॉन्ग शिव बना कि मेरी बेस्टी है आयुषी कॉलेज में मेरी सीनियर हुआ करती थी और बहुत स्वीट थी. मेरे साथ ऐसा है कि यार मेरे को जो भी मतलब इंसान पसंद आ जाता है ना मैं उसके लिए कोई ना कोई गाना बना देता हूँ. मतलब ये मेरे लिए सस्ता जुगाड़ होता है गिफ्ट देने का भी किसी को भी कि कोई भी पसंद आ गया तो उसको क्या गिफ्ट दो उसकी बर्थडे पे उसको स्पेशल फील कराने के लिए क्या करो उसके लिए. तो मैं बस गाना गाता हूँ उसके लिए या फिर उसके लिए कोई पोएम बना देता हूँ. तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार. तो उसको ना उसका वैसे तो नाम आयुषी था आरुषी नहीं था ना कुछ और था आयुषी आ ए वाई यू एस एच आई आयुषी. तो आयुषी उसका नाम था मेरी सीनियर थी कॉलेज में और बहुत स्वीट है वो बहुत स्वीट हार्ट सी थी. और तो है ना मतलब मैंने उसको ऐसे ही कहा था एक दिन कि यार मैं ना तेरे को आयुषी नहीं बोलूंगा मैं कुछ और बोलूंगा. तो उसने कहा क्या बोलेगा.
तो मैंने कहा यार कुछ सोचता हूँ, कुछ अच्छा सा नाम सोचता हूँ, निकनेम सोचता हूँ तेरे लिए। तो ऐसे ही कभी कहता कि स्ट्रॉबेरी, नहीं 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 ब्राउनी, नहीं नहीं नहीं। फिर एकदम से पता नहीं क्यों मेरे को फील आई, मैंने उसको कहा कि यार मैं तेरा निकनेम रखूंगा कपकेक। कपकेक कैसा निकनेम है? उन्होंने कहा हाँ यार कपकेक बड़ा सही नाम है, आज तक किसी ने किसी कुछ बोला भी नहीं, मतलब आज तक किसी ने कपकेक किसी का निकनेम रखा भी नहीं है, और कपकेक रखा था तो कितना मतलब मस्त कुछ अलग सा हो जाएगा। तो मैंने उसका निकनेम रख दिया कपकेक, आयुषी का। तो मैं उसे कपकेक बुलाने लग गया व्हाट्सएप पे, जब हम मिलते थे, जब कुछ भी होता था हर बार उसको कपकेक कपकेक ही बोलता था मैं सबके सामने भी, मेरे कोई शर्म नहीं थी। अब भाई नाम रखा है तो रखा है, अपना यार है, अपना दोस्त है, अपना बेस्टी है। तो क्योंकि वो बहुत स्वीट थी, और जैसा मैंने तुमको भी बताया कि जो भी इंसान मुझे पसंद आता है मैं उसके लिए सॉन्ग्स बनाता हूँ या पोएम्स लिखता हूँ, तो मैंने उसके लिए एक सॉन्ग बनाया था, कपकेक सॉन्ग नहीं, ऐसे एक सॉन्ग बनाया था। एंड उसको वो मतलब अच्छा लगा था, तो उसने कहा कि यार इस सॉन्ग को आगे बढ़ा, आगे कंटिन्यू कर, मैं फिर ये सॉन्ग तेरे लिए गाऊंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब बात ये हो गई कि उस सॉन्ग को बनाया हुआ मेरे को एक महीना हो गया और मैं सॉन्ग को कंप्लीट ही नहीं कर पाया, और आयुषी मेरे को डांटने लग गई कि ऐना मोहित ये क्या है, तूने सॉन्ग तो सुना दिया पर तूने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया, मेरे को ना आज की आज कंप्लीट कर दे, मुझे नहीं पता। ओ भाई तुम्हारा मोहित आ गया प्रेशर में, और प्रेशर में आ गया तो मैं अपनी क्लासरूम हुआ करती थी मेरे कॉलेज की, अकेली क्लासरूम, जब मतलब कोई उसमें नहीं होता था इंटरवल के टाइम, सब बाहर खाना खाने जाते थे और मैं क्लासरूम में बैठा अपना गिटार के साथ में और अपनी कॉपी पेन के साथ में गाना गाया करता था। तो मैं अपना गिटार लेके अपनी कॉपी पेन लेके उस गाने को कंप्लीट करने के लिए मतलब कोशिश कर रहा था, पर वो गाना कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं मुझसे। उसकी जगह मैंने सोचा कि कपकेक अब यार नाराज हो जाएगी अगर उसके लिए गाना नहीं बनाया मैंने, तो मैंने उसके लिए बना दिया ये। जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है, जब से तू आई है मेरे साथ में उल्टा साला सीधा हर हिसाब है, तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास तू, तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास तू, दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, मेरा प्यारा दुलारा कप केक है, रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है। तो मेरे दोस्त कह ले कुछ भी, तू मेरा कपकेक है। बस यूं कुछ हुआ था कि कपकेक यूं ही बन गया था। ऐसे अब कुछ सारी तुम सुनाता हूँ, तेरा ना ओ ना जाने क्यों ना ये, नहीं कुछ और सुनाता हूँ। क्या सुनाऊं यार उनको, पहले बातें तो कर लेता हूँ, जैसे तुमसे बातें नहीं करी मैंने, ये तो गलत बात है ना। मतलब ठीक है गाने सुना रहा हूँ, पर मेरे लाड लोगों से जिनसे मैं बातें करने आज यहाँ पर आया हूँ, चैट करने आया हूँ, उनसे बातें नहीं करी तो क्या किया। तो हाय एवरीवन, तुम्हारा मोहित बैक टू बैक, क्या बैक टू बैक क्या मतलब बैक आ गया है वापस से,
और तुम सब कैसे हो? मुझे मतलब बहुत याद आ रही तुम्हारी, एक हफ्ता हो गया अपन ने बात नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ जरा। तो तुम्हारा मोहित यहाँ पे तुम सबके सामने है और मेरे सामने हो तुम सब, तो कैसे हो जरा बता दो। मतलब आज का पहला हाई किसको अवार्ड जाता है आज का पहला हाई का? रुको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि शेख जूबी। तो आज जो पहला हाई था प्रज्योत पाटिल, आज पहला हाई तुम्हारा नहीं था, आज फर्स्ट हाई है शेख जूबी का। तो शेख जूबी को मेरी तरफ से हाय। कैसे हो शेख जूबी, कैसे हो तुम सब? प्रज्योत पाटिल, हाय कनक प्रसाद, हाय श्रुतिका श्रीवास्तव। ओ कनक प्रसाद, मुझे याद आ रहा है मैंने आज शायद आपको इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई किया है। आज इंस्टाग्राम पे मेरी ऐसी फील आई, बहुत मूड हो रहा था और मैं वेला बैठा था तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि इंस्टाग्राम पे, मैंने कभी लाइव चैट की नहीं है, तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है मोहित गौर 7991, उस पर मैंने लाइव चैट करी और वहां पर मैंने सबको रिप्लाई देने की कोशिश करी जितना भी हो सकता था। तो खैर वो यहाँ वहाँ की लाइव चैट थी और ये यहाँ की लाइव चैट है, और यहाँ की लाइव चैट ना थोड़ी अलग होती है जी। आप अब तुम सब तो जानती हो कैसी अलग होती है, अपनी फेसबुक की लाइव चैट एकदम दुनिया से अलग है, बातें करते हैं, गाने गाते हैं, जो इच्छा होती है वो करते हैं। तो शिवानी शर्मा कह रही है दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग तुमसे ही, क्या बात कर रहे हो, तुमसे ही आपका फेवरेट सॉन्ग है शिवानी। तो आई एम ग्लैड कि मैं उसको गा रहा था पर मेरी एकदम से फील टूट गई, मैंने सोचा कुछ और गाऊंगा आप सबके लिए, तो मैंने वो गाना स्किप कर दिया। तो हाँ जी हाँ, तुम सबके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, बता दो तुम सब कैसे हो, कैसे हैं मेरी डार्लिंग्स, मेरी जाने मनो, कैसे हो तुम सब बता दो जरा, सुनना चाहता हूँ मैं। कैसे हो जी, कमेंट तो करो। सृष्टि गुप्ता कह रही है हाय, हिमांशु कनाठे कह रहे हैं ऑसम सॉन्ग, सुमित सनानी कह रहे हैं प्लीज सिंग अ सॉन्ग। अरे अब सुमित, मैंने अभी स्टार्ट ही गाने से करी थी, मैं तो गाने ही सुनाना चाहता तुम सबको। माय डॉटर्स फेवरेट सॉन्ग शेख सिद्दीक, क्या बात है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हंसिका वैष्णव कह रही है वन सिंग सॉन्ग फॉर मी एंड आई एम मैड फॉर योर वॉइस, थैंक यू सो मच हंसिका, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तुम सबको मेरी वॉइस पसंद है, मैं पसंद हूँ, तो इससे बढ़िया बात मिले क्या होगी। हाँ तो बताओ तुम सब कैसे हो, तुम सबके कमेंट का वेट कर रहा हूँ यार मैं, ऐसा मत करो डार्लिंगो, कमेंट मारो। ना 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 ना। चलो तुम सब कमेंट कर ही रहे हो तो आई मस्ट से आयुषी द कपकेक ऑफ मोहित। संध्या मुखर्जी कह रहे हैं कि आई मस्ट से आयुषी द कपकेक ऑफ मोहित, तू बहुत लकी है यार, जो मोहित तेरा दोस्त है वो एक्चुअली मेड दिस सॉन्ग इन यू, सो स्वीट ऑफ यू संध्या मुखर्जी। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में मतलब उस जैसी फ्रेंड आई और तुम सब आए। पता है अगर वो मेरी लाइफ में आती तू मेरा कपकेक नहीं बनता तो मैं रॉस्टार में कैसे आता और मैं रॉस्टार में कैसे गाता तुम सबके लिए, और तुम सब मुझे कपकेक कैसे बुलाते फिर बताओ। तुम सब मुझे मोहित ही कहते हैं, नहीं मोहित पसंद नहीं, मतलब मोहित पसंद है पर तुम सब जो मुझे कपकेक कहते ना तो अलग ही प्यार से लगता है, लगता है कि मेरा सॉन्ग का बनाना, उसको सॉन्ग के ऊपर मेहनत करना सफल हो गया, मतलब सॉन्ग हिट हो गया जी, हिट हो गया। तो अब जरा सी भी देर ना करते हुए हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग और स्टोरी क्या होगी, वो होगी ये मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर है मोहित चौहान, उनका एक सॉन्ग है गुंचा कोई। सॉन्ग स्टार्ट्स लाइक दिस, गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। तो गुंचा क्या होता है, मेरे बड़े भैया अर्चित भैया ने मुझे बताया था कि गुंचा इज अ स्पेशल कॉर्नर, मैखाने होते हैं जो मतलब मैखाने जिनको कहा जाता है, तुम सब शायद जानते होंगे मैखाने क्या होते हैं। तो मैं खाने जिनको कहा जाता था और जो कहा जाता है, वहाँ पे एक स्पेशल सिटिंग एरिया होता है ओनली फॉर एलाइट पीपल, ओनली फॉर स्पेशल पीपल। तो दैट स्पेशल कॉर्नर ऑफ दैट मैं खाना, शाही लैंग्वेज में मैं खाना, बड़ा प्यारा वर्ड है।
तो वो स्पेशल कॉर्नर को गुंचा कहा जाता है। तो एक बार की बात है, मैं नहीं पीता हूं, ठीक है, मैं नहीं पीता हूं, पर एक इंसान था परेशान, हारा हुआ, तकलीफों से भरा। और उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या? प्यार। मुझे प्यार ना मिला, बाकी सब मिल गया। थका हारा प्यार का मारा, मुझा पहुंचा एक मैं खाने में उसे वो दिखी, वो जिसके उसने गाना बनाया। उसने कहा घूम जा कोई मेरे नाम कर दिया। इमेट साकी। साकी क्या होती है? साकी मैं खानों में वो पर्सन होती है जो शी इज लाइक वेट्रेस, जो मतलब शराब देती है, जो मतलब जो शराब पूर करती है, जो गेस्ट को रिसीव करती है, जो गेस्ट का ख्याल रखती है। तो साकी ऑफर्ड हिम अ गुंचा स्पेशल कॉर्नर इन द मैखाना। सो किसकी तलाश में था? अपना हीरो, अपना इंसान, प्यार की। और जी जैसी साकी ने उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ना, उसको कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ प्यार जैसा एहसास होने लगा। एंड ही सैंग विद ऑल हिज हार्ट दैट घूम जा कोई मेरे नाम कर दिया। साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। जैसा कोई नहीं इस जहां में, तुम जैसा कोई नहीं इस जहां में। तुम जैसा कोई नहीं इस जहां में। सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया। साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। अरे यार सच बात तो है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्या यार, अभी मैं कंफ्यूज हो गई तुमसे बात करूं कि गाना गाऊं कि क्या करूं। और अभी सबसे अजीब बात ये हो रही है कि शायद मेरा फेसबुक लाइव चैट हैंग हो गया है और मुझे तुम सबके कमेंट्स स्क्रॉल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब तुम सबके कमेंट्स दिख ही नहीं रहे हैं।
तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सब आए लाइव चैट में। और ये कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं यार, ये कमेंट्स को क्या हो गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कमेंट्स हैंग हो गया है। कोई बात नहीं, लेट्स होप नेक्स्ट लाइव चैट में, नेक्स्ट संडे की लाइव चैट में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छे से हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो भी प्रॉब्लम उसको नेक्स्ट वाले टाइम में सॉल्व कर देंगे, तब तक के लिए तुम सब ध्यान रखो। अभी ना मुझे तुम्हारे कमेंट्स दिख नहीं पा रहे, पता नहीं क्या कुछ फेसबुक में प्रॉब्लम हो गई, तो खैर वो रिजॉल्व कर लेंगे बाद में। अभी के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बहुत रात हो गई है, सो जाओ अच्छे से, रेस्ट करो, कल मंडे है, खूब जज के काम करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वर्क पर जाना, जहाँ भी जाना खुशी से जाना, खुशी से करना सब कुछ। बाय बाय, टेक केयर। और सॉरी अभी वापस से मुझे बुरा लग रहा है कि यार मैं तुम सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि ये हैंग हो गया, पता नहीं क्यों चैट बॉक्स जो जहाँ मुझे तुम सबके कमेंट्स दिखते हैं वो हैंग हो गया है। तो लेट्स होप नेक्स्ट टाइम सही हो जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, बाय बाय। Bye.